जय हिंद दोस्तों। तो आज का मुख्य खबर इस प्रकार है कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, जो कि इस प्रकार है। तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासियों के लिए असत्य, भ्रामक तथा उन्माद फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित करने के प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई के अधीन कार्रवाई। आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 3/2023 दिनांक 5/3/2023 धारा 153, 153A, 153B/505(1), B/505(1)C/468, 471/120B भादवी एवं 67 IT एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी एवं युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध माननीय न्यायालय में गिरफ्तार हेतु वारंट प्राप्त किया गया है। उपरोक्त दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु एक विशिष्ट टीम की गठन किया गया है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बैंक खाते में उपलब्ध राशि को फ्रीज कराया गया है। इनके SBI के एक खाते में 3,37,496 रुपये, IDFC बैंक के खाते में 51,079 रुपये, HDFC बैंक के खाते में 3,37,463 रुपये तथा सच तक फाउंडेशन के HDFC बैंक के खाते में 34,85,909 रुपये उपलब्ध है। कुल उपलब्ध राशि 42,11,937 रुपये हैं। माननीय कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, जिन पर गहन अनुसंधान किया जा रहा है। मनीष कश्यप के मां से नाम से संचालित मनीष कश्यप हैंडल पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की छवि फोटो पोस्ट करके सत्य असत्य अफवाह जिनके एवं भ्रामक संदेश फैलाकर लोगों को दिगंध भ्रमित करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 105/23 अंकित किया गया है। इस कांड के अभिप्रवृत्त अभियुक्त प्रशांत कुमार पैसे योगेंद्र द्विवेदी सा बड़का ढक्काचक थाना कृष्णावन जिला बक्सर वर्तमान द्वारा शशिकांत शर्मा गणेश रोड नंबर 1 शिवपुरी थाना शास्त्री नगर जिला पटना को गिरफ्तार के न्यायिक हिरासत में अग्रसित किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। कांड का अग्नि अनुसंधान आगे आपको सुनाया जाएगा। तो इनसे आपको क्या साक्ष्य मिलता है, क्या सबूत मिलता है कि जो इन्होंने जो सूचनाएं लोगों के साथ प्रसारित की थी कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो वो भ्रामक मिली, उसमें कोई सबूत नहीं मिला, ना ही ये सबूत दे सके, और ना ही यहाँ से जो बिहार से टीम तमिलनाडु को गई कि क्या हुआ है लोगों के साथ घटनाएं, तो ऐसे कोई घटनाएं नहीं मिली कि तमिल वाले लोग बिहार के लोगों को मार करके भगा रहे हैं और बहुत बड़ी तौर पे हमला हो रहा है उनके ऊपर। और इसके वजह से जो भी लोग नहीं आना चाह रहे थे घर, वो भी आए मजबूरी में। क्यों? क्योंकि भ्रमक तो भ्रमक होता है, सबके परिवार हैं, घर है, सबका यहाँ है, सबको परेशान किया गया कि घर आओ, ऐसे घटनाओं में वहां मत रहो। तो कितना नुकसान हुआ बिहार के लोगों का, इस सूचना के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को देना कितना बड़ा गलत है। इन सारे सबूत से ये साबित होता है कि मनीष कश्यप बिहार के लोगों के साथ खेल रहा है और उनके सेंटीमेंट के साथ खेल रहा है। चाहे वो 10 काम अच्छे करते हो, लेकिन ये काम तो उनका खराब है कि किसी बिहारी के सेंटीमेंट के साथ खेलना और ये बात पे अडिड रहना कि हम जो है सही बोल रहे हैं। आप अगर सही बोल रहे हैं तो आप चेन्नई गए तो आप क्यों नहीं साबित किए कि वहां पर कितने लोगों को मारा गया है? इसका माना कि आप झूठ बोल रहे थे बिहार वालों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। इसी के साथ इस अनुसंधान का अब आगे क्या प्रोसेस होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी तक का अपडेट यही मिला है कि इनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है।